हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि UGC द्वारा जो संशोधित गाइडलाइन प्रस्तुत की गई थी और गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी अधिसूचना है उसके अनुसार अब पूरे देश की सभी विश्वविद्यालयों के सभी बच्चों की परीक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, पूरे देश में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण पूरे देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ और सभी डिग्री कॉलेजों के स्टूडेंट जो हैं वो UGC के फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। स्टूडेंट में काफ़ी गुस्सा है और प्रदर्शन भी किया जा रहा है और चाहते हैं कि परीक्षाएं स्थगित की जाएं और सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए, और स्टूडेंट्स की ऐसी मांग है कि सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, इस क्रम में आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिए, आप सभी कमेंट पर रिप्लाई भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा या उनकी परीक्षाएं होंगी। इस संबंध में आप सबके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार आते हैं कि सर, क्या बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या फिर बची हुई परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इस संबंध में स्पष्ट रूप से क्या कोई नोटिफिकेशन आया है या फिर नहीं आया है। तो स्टूडेंट, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा या उनकी परीक्षाएं होंगी, इस संबंध में चैनल पर जब वोटिंग की गई और स्टूडेंट्स से उनकी राय ली गई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 92% विद्यार्थियों का यह कहना है कि अब परीक्षाएं न हों और बढ़ते कोरोना के कारण सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। यानी 1000 में लगभग 920 ऐसे बच्चे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विद्यालय के, जो यह चाहते हैं कि बढ़ते संक्रमण में परीक्षा आयोजित करने पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के जीवन को खतरा होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार छात्र छात्राओं के जीवन हित में परीक्षाओं को न करवाते हुए सभी स्टूडेंट्स को अच्छे अंकों से प्रमोट करे, चाहे वो BA, BSc, BCom प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष का छात्र हो या MA, MSc, MCom प्रथम या द्वितीय वर्ष का छात्र हो, सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगभग 8% विद्यार्थी ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि बच्चों को प्रमोट न किया जाए और बढ़ते कोरोना के बीच परीक्षा आयोजित की जाए। यानी 1000 में लगभग 80% 80 बच्चे ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि बढ़ते कोरोना संक्रमण में भी UP सरकार हमें प्रमोट न करे और हम परीक्षा देंगे। तो स्टूडेंट्स, UP सरकार, अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है UP सरकार के द्वारा, लेकिन निश्चित रूप से सरकार और यूनिवर्सिटीज बच्चों को प्रमोट करने के पक्ष में फैसला ले सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा वो सरकार के अधीन होगा और सरकार जब तक अपनी अधिसूचना नहीं जारी करेगी तब तक कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अपना कोई भी अधिसूचना नहीं जारी करेगी। इसलिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना का इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की फाइनल अधिसूचना या फाइनल गाइडलाइन आती है आपको सबसे पहले चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए रहिए। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करिए, आप सभी कमेंट पर रिप्लाई भी किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।